अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। क्या हुआ माँ? बिया, तूने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी और आसानी से कैसे ले लिया? मतलब? शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसके लिए लड़कियां इतना सोचती हैं, वक्त मांगती हैं। तूने तो इतनी आसानी से एक पल में फैसला कर लिया। सच बताना, ये फैसला तूने सिर्फ इसलिए तो नहीं किया? ये तेरे पापा ने तय किया था। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप आओ, यहाँ बैठो। आपको याद है, बचपन में मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरे पापा होते, दूसरों के पापा की तरह मुझे भी गिफ्ट ला कर देते। और आज जब वो मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट छोड़कर गए, मैं कैसे मना करूँगा? माँ बाप बच्चों के लिए पूरी जिंदगी कितना कुछ करते हैं ना, लेकिन बच्चों को उनके लिए कुछ करने का कितना कम मौका मिलता है। और इस रिश्ते के लिए हाँ बोलकर मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ करूं। और पता है माँ, आज ही के दिन इस रिश्ते का आना, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। आज का दिन? पता है माँ, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा पापा के बारे में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत दुखी होगी। इसलिए उनकी तस्वीरें देखकर, उनके मेडल्स देखकर मैंने उन्हें जाना है। लेकिन आज एक अनजान इंसान ने मेरी मुलाकात मेरे पापा से करवाई। किसने? विजय अंकल, महेश अंकल के बचपन के दोस्त जो मिलिट्री में है। सिपाही रमेश, उसने 15 जवानों के जान को बचाने के लिए अपना जान न्योछावर कर दिया। सलाम है ऐसे वीर सैनिकों को जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्योछावर कर देते हैं। शायद इस इत्तेफाक के पीछे कोई वजह है, इसलिए जैसे ही आपने मुझसे पूछा ना, मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मुझे ऐसे लगा कि शायद पापा खुद मुझसे इस रिश्ते की बात कर रहे हैं। और माँ, जब आपने और पापा ने मेरे लिए इस रिश्ते के बारे में सोचा है, तो मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। वैसे हिमेश भी लड़का बुरा नहीं है। बिल्कुल नहीं माँ, लेकिन थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। फिर भी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है उसने। और सबसे बड़ी बात, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मुझे पूरा विश्वास है माँ कि हिमेश और मैं एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। कितनी समझदार हो गई मेरी बच्ची, पता ही नहीं लगा कब इतनी बड़ी हो गई। I'm so sorry गीता काकी, क्या मैं पिया को 2 मिनट के लिए लेके जा सकती हूँ? बहुत अर्जेंट काम है। क्या बात है रेखा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ काकी, चिंता की कोई बात नहीं है। रेखा, लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही है? चल चल ना। अरे आ ना, चल चल चल, तुम कहाँ लेकर जा रही है? चल तो भाई, मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मत भूलना सगाई में झुमके और शादी में सोने का हार। हाँ हाँ बाबा, जाना हवे। बाय। वो अंदर सबके सामने बात करने का मौका नहीं मिला ने, इसलिए यहाँ बुलाया। लेकिन हिमेश, तू इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, अरे क्या बताऊँ तुझे पिया, आज सुबह से मेरे पसीने का नल चालू है। तो बोल, क्या बोलना चाहता है तू? थैंक यू। थैंक यू क्यों? तूने शादी के लिए हाँ बुला ने, इसलिए। अरे तुझे पता नहीं है आज का दिन कितना टेंशन में गुजरा है मेरा। मैं तो 100% नक्की था कि तू मुझे ना कर देगी शादी के लिए। तुझे ऐसा क्यों लगा? वो
बात नहीं हुई ना हमारे बीच, वो सब कुछ ऐसे एकदम डायरेक्टली हो गया। मैं बहुत टेंशन में था पिया, मैं वैसे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ हैं। तू जैसी भी है ना, मुझे एकदम पसंद है, और मैं आज तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। तुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं लाकर दूंगा यहाँ, लेकिन अपने बजट के हिसाब में। हाँ हाँ भाई, पहले से ही सब क्लियर कर लेना चाहिए ना। कल को बोलेगी कि मुझे एरोप्लेन ला के दो, तो वो किधर से लाऊंगा मैं। तुझे भी कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो पूछ लेना। मैं तुझसे ये कहना चाहती थी कि शादी के बाद मैं जॉब करूंगी। हाँ हाँ, तू करने बिंदास कर। रमेश तो समझ नहीं रहा है। देख, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें तालीम देते हैं, और वहाँ उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद हम बच्चों की जिम्मेदारी शुरू होती है, और मैं वो जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ हिमेश। अपनी पढ़ाई के बाद, शादी के बाद, मैं अपनी माँ को काम नहीं करने देना चाहती। हाँ प्रिया, तू बिंदास जॉब कर, और गीता मासी का ख्याल अकेली तू क्यों रखेगी, मैं भी रखूंगा, समझी? थैंक यू। जा, बहुत लेट हो गया, तू भी जा, मैं भी जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आयशा, लेप तैयार है तेरा। आयशा, ये भगवान, जरूर ये लड़की ना कान में भूंगड़ा डालकर रेडियो सुन रही होगी। इतनी रात को गीता बेन मुझे क्यों फोन कर रही है? जय श्री कृष्ण गीता बेन। जय श्री कृष्ण। सब ठीक तो है ना? नहीं, इतनी रात को फोन किया इसलिए। सब ठीक है गंगा बेन, मैंने तो आपको एक खुशखबरी सुनाने को फोन किया है। गंगा बेन, मेरी पिया का रिश्ता तय हो गया है। क्या? हाँ। वाह 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 गीता बेन, बहुत बहुत बधाई हो। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। गीता बेन, मैं ना आपको आराम से फोन करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। कबीर। हाँ? क्या सोच रहे हो? और तुम इस वक्त यहाँ? वो नोट्स चाहिए थे पिया, इसलिए आ गया। नोट्स तो तुम सुबह भी ले सकते थे ना। हाँ, रात भर पढ़ाई करनी थी ना। लगता है मुझे हराने की तैयारी तुम जोर शोर से कर रहे हो। ठीक है, अभी लेकर आते हैं। पिया, ये थोड़ी जल्दी नहीं है? तुम शादी कर रही हो? तो तुमने मेरी और हिमेश की बातें? नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं सुनी, मैं तो यहीं खड़ा था, सुनाई आ गई। वो हिमेश है ना, वो बहुत लाउड बोलता है, मुझे लगता है पूरे मोहल्ले ने सुन लिया होगा। पिया, बहुत जल्दी नहीं है? आई मीन शादी एंड ऑल, कम ऑन। कबीर, अभी तो सिर्फ शादी की बात हुई है, शादी को तो बहुत टाइम है। अभी पढ़ाई पूरी करनी है, एग्जाम्स में तुम्हें हराना है, जॉब करना है, पढ़ाई के बाद माँ का ख्याल रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भैया प्लीज डोंट माइंड, ये हिमेश करता क्या है? हिमेश एक कंपनी में सेल्स का जॉब करता है। लेकिन कमाता कितना है? कबीर, इतने सवाल तो माँ ने भी नहीं पूछे। आई एम सॉरी पिया, मैं तो बस ऐसे ही, यू नो, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके कबीर, आई अंडरस्टैंड, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें मेरी फिक्र है। अब तुम तो मिल चुके हो ना हिमेश से? हिमेश बहुत अच्छा है ना? हाँ,
तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा, एंड आई एम श्योर तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। लेकिन अगर उसने मुझे कोई तकलीफ दी ना, तो तुम हो ना मेरे दोस्त, आओगे ना मेरी मदद करने? ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशन। लगी अपने कबीर के लिए परफेक्ट मैच रहेगी, क्या कहते हो जतिन भाई? हाँ, लड़की तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अच्छी तो लगेगी ना, मेरे यार की बेटी है भाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस परिवार को बरसों से जानते हैं। हाँ। लोग अच्छे हैं, और बीजू तो घर का ही है। वाह सविता नीता, बहुत अच्छा फैसला किया है तुम लोगों ने। पण फिलहाल हम इस बात कबीर से नहीं करेंगे। क्या है, उसकी परीक्षा सर पे है, अगर घर में यही बातें होती रहेगी तो उसका ध्यान परीक्षा में नहीं रहेगा। बात आ रही है, बात तो साची। ठीक है, कोई कबीर से कुछ नहीं कहेगा। नीता, खास करके तुम थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई भी बात टिकती नहीं है। पर मोटा भाई, हमें भी कौन सी जल्दी है, हम तो बस अपने दिल की बात आप लोग तक पहुंचा रहे थे। हाँ, ये क्यों नहीं भाभी, बात कर रही हूं ना मैं मोटा भाई से। सविता बहन, और पेट में चलिए मेरे साथ। कहाँ चलिए तू? भाभी अभी बा, आप लोग बैठिए, हम लोग अभी आते हैं। अभी हा? भाभी, लेकिन चुप। भाभी, सब बताती हूँ, आइए आप इधर। क्या लेकिन? ओहो भाभी, जिस बात में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती है ना, वहाँ तो बिना सोचे समझे आप कूद पड़ती है, और जहाँ आपको जल्दबाजी करनी चाहिए वहाँ ढीले आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब ये कि जहाँ कबीर और पिया के बीच में कुछ भी नहीं था, वहाँ आपने सोच सोच के इतना बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया, और यहाँ कबीर और आंचल के बीच में हमें मामला जल्दी से बढ़ाना है तो आपने ढील छोड़ दी। अरे सविता बेन, जरा सोचिए। अरे ये गायत्री बेन ना सिर्फ हमारे घर में खाना खाने नहीं आई होगी, बड़ोड़ा के कितने घरों में इनका आना जाना लगा होगा। अगर उनमें से किसी ने आंचल के रिश्ते के लिए उनसे बात कर ली तो। भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो, मान लीजिए कि आचल के पेरेंट्स को तो कैसे भी करके शादी के लिए मना लेंगे। हाँ। लेकिन रिश्ता तो भाभी हमें कबीर और आचल के बीच में करना है ना। हाँ। तो उन दोनों को राजी कौन करेगा? हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी क्या करेंगे? सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। गंगा है, जरूर छुट्टी मांगने के लिए फोन किया होगा उसने। मना कर दो, मना ही कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ, कुछ नहीं सुनना मुझे, और छुट्टी तो मैं दूंगी नहीं। हे जलाराम बापा,
नीता भाभी, मैंने आपको फोन किया इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं छुट्टी मांग रही हूँ। हाँ, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? अच्छा, क्योंकि नवरात्रि के दिन है ना, रात भर मोहल्ले में गरबा खेल रही होगी तुम। मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ वो सुनकर आप जरूर गरबा खेलने लगोगी। ऐसी कौन सी खबर है? प्रिया पटेल की शादी तय हो गई है। क्या सच्ची? मुझे अभी गीता मैम ने खुद फोन करके बताया। बोलो, अब प्रिया और कबीर को लेकर आपका टेंशन खत्म। No tension, enjoy. मैं फोन रखती हूँ। अब आप करो गरबा। हाँ, चल। कबीर और आंचल को एक करने का रास्ता मुझे मिल गया। चरर चरर मारू चक डोल चाले, चरर चरर मारू चक डोल चाले, चक डोम ची ची चाले। धनी, नीता आंटी ने इतनी सुबह सुबह मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कॉलेज के लिए कितनी लेट हो रही हूँ मैं। अरे ये लो, आ गई हमारी बेटी पिया। अरे पिया, बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस बेटा। गंगा बेन ने हमें बता दिया था कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। कंग्रेचुलेशंस। और हमें पूरा यकीन है कि तुमने अपने लिए हीरे जैसा लड़का ढूंढा होगा। थैंक यू। आप लोग मुझे सिर्फ यही बोलने के लिए बुलाए थे? तो ठीक है, मैं कॉलेज जाऊं बिकॉज मैं बहुत लेट हो रही हूँ। थैंक यू। पिया बेटा। जी। दरअसल हमें तुमसे कुछ और बात भी करनी थी। हाँ कहिए ना। तुम्हें आंचल कैसी लगी? आंचल बहुत अच्छी लड़की है। कबीर कबीर कैसा लगता है तुम्हें? पिया, भाभी के कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कबीर और आंचल की जोड़ी कैसे लगी, है ना भाभी? हाँ वही तो। गंगा मासी ने भी मुझसे यही पूछा था और मैंने उन्हें यही जवाब दिया था कि कबीर और आंचल की जोड़ी बहुत अच्छी है। परफेक्ट। पिया, आज से उन दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या? अब मैं समझी नहीं। हमें आंचल बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि हम उसे अपने घर की बहू बनाए, लेकिन इससे पहले कोई और भी तो उसका रिश्ता मांग सकता है ना, तो हम यही चाहते हैं कि कबीर और आंचल का रिश्ता बन जाए। क्या है ना पिया, हम कबीर से इस बारे में इस वक्त बात नहीं कर सकते। उसकी एग्जाम्स चल रही है और अगर उसके रिजल्ट्स में कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो घर वाले तो हमें ही दोषी मानेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन दोनों की दोस्ती को और गहरा करने में हमारी मदद करो, क्योंकि एक बार कबीर और आंचल एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे फिर आंचल के मम्मी पापा को मनाना बहुत आसान रहेगा। पिया प्लीज, तुम हमारी मदद करोगी ना? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। आप लोग मुझे गलत मत समझना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो बनती बात बिगड़ जाएगी। ओह भैया, तो हम तुम्हें कहाँ ये कह रहे कि तुम आंचल का हाथ कबीर के हाथ में दो और उन दोनों से कोई गाना गवाओ। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम ऐसे हालात बनाओ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। लेकिन मैं ये करूंगी कैसे? हाँ, इट्स सो सिंपल पिया, तुम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, इनफैक्ट तुम सब तो एक ही क्लास में भी हो। तुम्हें बस उन दोनों पे नजर रखनी है और उन दोनों की दोस्ती को और गहरा बनाने की कोशिश करनी है। अब इसमें इतना डिफिकल्ट क्या है?
देखो पिया, ये काम तुम ही कर सकती हो। हमें आंचल बहुत पसंद है, हमें लगता है वो कबीर के लिए एकदम परफेक्ट है। और तुम तो कबीर को अपना दोस्त मानती हो ना, फिर तुम अपने दोस्त के लिए इतना नहीं करोगे? प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। परफेक्ट। बस तो फिर तुम ये मिशन आज से ही शुरू कर दो। ओके ओके। कैसा मिशन भाई? मिस इंटेलिजेंट, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो हमने पिया को यहाँ बुलाया था, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने। कभी उसकी शादी तय हो गई है। तो आपने इसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ऑल द वे यहाँ तक बुलाया? वैसे आप लोग किसी मिशन के बारे में बात कर रहे थे ना, क्या है वो?